वर्ल्ड टी20 में एक बार फिर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। ईडन गार्डन में 5 विकेट से हराया। अठारह ओवर में पाकिस्तान ने दिया था 119 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 13 गेंद शेष रहते हासिल की जीत। एक बार फिर टीम इंडिया की जीत के नायक बने विराट कोहली। 37 गेंदों पर 55 रन जड़कर नाबाद लौटे, बने मैन ऑफ द मैच। विराट ने 55 रन में 7 चौके, 1 छक्का जड़ा, 21 रन दौड़कर बनाए। युवराज सिंह ने 23 गेंदों पर 24 रन बनाए, 1 छक्का, 1 चौका जड़ा। विराट के साथ की 61 रनों की साझेदारी। कप्तान धोनी ने 9 गेंदों पर बनाए 13 रन, 1 छक्का जड़ा। विराट के साथ जीत दिलाकर लौटे नाबाद, दोनों के बीच हुई 35 रन की साझेदारी। पाकिस्तान पर जीत से गदगद टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जागी उम्मीद। कहा है भरोसा, कोलकाता में भारत खेलेगा फाइनल। है तो वो भी मायने रखता है एंड आई फील वी हैव प्लेड गुड क्रिकेट एंड दैट्स द रीजन, बट इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट एट द सेम टाइम यू नो आपको अपनी तरफ से हर बार उतनी ही जोर लगानी पड़ती है। जैसे टीम इंडिया की शानदार जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, ट्वीट में लिखा जबरदस्त जीत के लिए बधाई। राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को दी जीत की मुबारकबाद। वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान को मात देने पर आज तक से बोली लता मंगेशकर, बारिश से हुई निराशा को टीम इंडिया ने जीत के तोहफे से किया दूर। ईडन गार्डन में टीम इंडिया की जीत पर दिखे कुछ यादगार लम्हे। शानदार पारी के बाद विराट ने मैदान से स्टेडियम में बैठे क्रिकेट के भगवान सचिन को किया नमन। भारत पाक के मैच का महानायक अमिताभ बच्चन ने भी स्टेडियम में बैठकर उठाया लुत्फ। विजयी रन बनते ही लहराया तिरंगा। विराट कोहली ने पाकिस्तान की हर रणनीति पर फेरा पानी। जीत के बाद कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ की गलती नहीं दोहराने का प्रण लेकर मैदान में उतरा था। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत के साथ भारत में हर ओर मना जश्न। पाकिस्तान में एक बार फिर टीवी फोड़ने की आई नौबत। ईडन गार्डन में जीत के साथ ही कोलकाता की सड़कों पर तिरंगा लहराते निकल पड़े टीम इंडिया के प्रशंसक। जम्मू में जवानों में दिखा टीम इंडिया की जीत का जबरदस्त उत्साह। ढोल की थाप पर झूमे जवान, खूब की नारेबाजी। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर फतह के साथ मुंबई में भी तिरंगा साफा पहने सड़कों पर उतर आए लोग। एक प्रशंसक टी20 वर्ल्ड कप हाथों में थामे दिखा। टी20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की होगी टक्कर। दूसरा मैच श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी महिला क्रिकेटरों ने पोंछे पाकिस्तान के आंसू। भारत पर दर्ज की जीत। आज वेस्टइंडीज बांग्लादेश और श्रीलंका आयरलैंड के बीच होगी टक्कर। उत्तराखंड में सरकार पर संकट के बीच सीएम हरीश रावत को मिली थोड़ी मोहलत। 28 मार्च तक सदन में साबित करना होगा बहुमत।
सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को माफीनामे का दिया प्रस्ताव, लेकिन बागियों ने दिल्ली में जमाया डेरा। कांग्रेस ने मंत्रिपद से इस्तीफा देने वाले बागी नेता हरक सिंह रावत को किया बर्खास्त। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के सभी 9 बागी विधायकों को भेजा नोटिस, दल बदल कानून पर मांगा जवाब। इकहत्तर सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के 36, बीजेपी के 28, बीएसपी के 2 और 4 अन्य विधायक थे। कांग्रेस के 9 विधायकों के बीजेपी संग जुड़ने से बिगड़ा समीकरण। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन, शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग का नोटिस, लाभ के पद पर फंसा पेट। सीएम केजरीवाल ने सभी 21 विधायकों को बनाया है संसदीय सचिव। 11 अप्रैल तक इन्हें देना होगा चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब। सभापति हामिद अंसारी ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को लिखा खत, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर कार्रवाई की मांग, राज्यसभा पर अखबार में लेख से जुड़ा मामला। अब बीजेपी पर चढ़ा पुरस्कार वापसी का बुखार। बिहार में बजट सत्र के दौरान सुशील मोदी, मंगल पांडे और प्रेम कुमार लौटाएंगे अपने अवार्ड। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार में बढ़ते अपराध का किया जिक्र, मंगल पांडे को सताई, राज्य के शिक्षकों और उनकी आर्थिक स्थिति की चिंता, कहा अवार्ड लेने लायक नहीं है हालात। सोने पर टैक्स के मामले में मोदी सरकार को अपने ही सांसदों का झेलना पड़ रहा है विरोध। बेगूसराय में सांसद भोला सिंह इसे जौहरियों को लहूलुहान करने वाला बताते दिखे। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा सदन में उठाऊंगा सोने पर बढ़े टैक्स का मुद्दा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने आर्थर रोड जेल में छगन भुजबल से की मुलाकात। भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले और ब्लैक मनी से जुड़े केस में है बंद। रोहतक में आईआईएम के दीक्षांत समारोह में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने की शिरकत, छात्रों को दिया संदेश, असफलता से ना माने हार, हर कोई 100% सफल नहीं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस की पूर्वांचल के मतदाताओं पर टिकी नजर, होली मिलन समारोह में भोजपुरी गायक गुड्डू रंगीला का कराया कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के करगिल में हिमस्खलन का कहर, सेना का एक जवान लापता, एक को किया गया रेस्क्यू, 48 घंटे तक हिमस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने शनि सिग्नापुर मंदिर में चबूतरे पर बैठने की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। गाजियाबाद में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़ी नेता का एमएमएस बनाए जाने का मामला आया सामने। पीड़िता से 50 लाख रंगदारी की मांग, पुलिस से शिकायत में बॉयफ्रेंड पर एमएमएस बनाने का आरोप, रंगदारी नहीं देने पर सोशल साइट पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देने का भी जिक्र। सोनीपत के गोहाना में एक नाबालिग छात्रा को गाड़ी में अगवा कर किया गया गैंग रेप, पुलिस ने गांव के ही 3 युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। झारखंड के लातेहार में पशु व्यापारियों की हत्या करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस के 3 आरोपियों की और तलाश। पशु व्यापारियों की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने NH-75 पर लगाया जाम, पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम हटाया। यूपी के गोंडा में नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाया गया, पड़ोसी पर रेप के इरादे से अगवा कर जलाने का लगा आरोप, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम।
ग्वालियर में SAF के सिपाही ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, हालत नाजुक। बेटी ने महिला IPS पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। मेरठ में गंग नहर में डूब रहे 6 लोगों में से 3 को बचाया गया, 3 अभी भी लापता। यूपी के बलिया में बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय का मिड डे मील खाकर 125 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद में एक होटल से 2 बाल मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, दोनों नेपाल के रहने वाले। बिहार के किशनगंज नेहरू शांति पार्क में पुलिस ने की छापेमारी, करीब 1 दर्जन जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। जाने माने उद्योगपति कोचा सफ चित्तापल्ली जंतर मंतर पर रेबीज मुक्त भारत के लिए सत्याग्रह करते दिखे, आवारा कुत्तों से मुक्त भारत की मुहिम छेड़ी। शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चला कोचा सफ स्ट्रीट डॉग फ्री मूवमेंट, आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हुए गरीबों को आर्थिक मदद की मांग। भारत में रेबीज के करीब 20,000 लोगों की हर साल होती है मौत, दुनिया भर में हर साल 55,000 लोग होते हैं रेबीज का शिकार। रूस में हुए विमान हादसे में केरल के पेरुम्बावूर के रहने वाले युवा जोड़े की भी मौत, शोक में डूबे परिजन। विमान हादसे में कुल 62 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी।